बिल्कुल अंतिम क्षणों में है, अंतिम क्षणों में है और स्कोर है 2-1। दो गोल दागे ही नौशेरा की टीम ने, जबकि एक गोल दागा है राजौरी की टीम ने। दो एक की बढ़त नौशेरा की टीम बनाए हुए है। अब देखना है अंतिम क्षणों में क्या होता है। प्रयासरत जरूर दोनों ही टीमें। और ये हम दशहरा से स्कूल बॉयज सेकेंडरी स्कूल, हमारा मैच यहाँ राजौरी में डिग्री कॉलेज में था। हम काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तीन दिनों तक टूर्नामेंट चली। हमने लास्ट फाइनल हमारा राजौरी के साथ था, हमने 2-1 से उन्हें पिछाड़ दिया है। हमने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया, हमारे डिफेंडर्स सब बिल्कुल बढ़िया खेले हैं, हर एक चीज अच्छी थी। हम अपने कोचेस का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें इस मुकाम तक लेके आए हैं, और हम ये अपने आप को इससे ये साबित करते हैं कि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू। BSF का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें ऐसा मौका मिला, उन्होंने हमें इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें दिया। ये राजौरी में आके पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, यहाँ आके आज फुटबॉल खेला और एक अच्छी टीम जो थी राजौरी की उसको हमने हराया। और मैं, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी बच्चे आए हैं खेलने के लिए, हम सब खुश हैं और बहुत ही हमें खुशी लग रही है कि हमने एक बहुत बड़ा इवेंट जीता है और इसको जीतने के बाद ही हमें मौका मिल रहा है कि अब नेक्स्ट हम जाके कोलकाता या बेंगलोर जाके हमारे बच्चे खेलेंगे, और दिस इज ए बिग अचीवमेंट फॉर अस। इस तरह से यह है कि स्पोर्ट्स में जब बच्चा बिजी रहेगा और पढ़ाई में बिजी रहेगा, उसको ज़्यादा मौका ही नहीं मिलेगा गलत लोगों के साथ संगत करने का। और जो उनकी मैक्सिमम टाइमिंग है, डे टाइमिंग है, जो वो अपनी पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो बुरी आदत है ड्रग्स की या ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये बच्चों से दूर हो जाएगी। और एक ऐसा होगा जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इसी तरीके से ये भारत जो है एक जो बुरी आदतें हैं बच्चों के अंदर, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, ड्रिंक कर। जो फाइनल मैच हुआ था इंटर ब्लॉक फुटबॉल टूर्नामेंट का, वो आपने स्वयं देखा, मैंने भी देखा, बहुत ही रोमांचक मैच था। दोनों तरफ बराबर बॉल पोजीशन में रही और लकीली एक टीम को जीतना था, तो नौशेरा थोड़ा सा हैवी थी, जीत गई वो, इस वजह से 2-1 के स्कोर से। सर आई कैन यूथ को मैसेज ये है, इन्वॉल्व रहिए, कमिट रहिए, जो भी कर रहे हैं आप। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें कि आगे बढ़ा जा सकता है, खेल उसी तरह का एक है। खेल में आप कहीं भी नाम कमा सकते हैं और यही एक फील्ड है जहाँ से कि बच्चे निकलते हैं, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। 163 बटालियन BSF राजौरी की तरफ से PG कॉलेज राजौरी में इंटर ब्लॉक फुटबॉल टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट राजौरी का यहाँ पे जो आगाज़ किया गया था, मैं आपको बताता चलूँ कि 7 तारीख को ये मैच यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसमें ब्लॉक राजौरी के अलग अलग टीम्स ने जो हिस्सा लिया था, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि नौशेरा, कालाकोट, सुंदरबनी, इसके अलावा और भी एक दो ब्लॉक्स ने इसमें हिस्सा लिया था। और आज फाइनल डे पे जो है नौशेरा और राजौरी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें नौशेरा ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और आज फुटबॉल का जो मैच था वो जो नौशेरा ने राजौरी से जीत लिया। आज के मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर महमूद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, वो यहाँ पे मौजूद रहे। इनके साथ साथ DIG BSF के वो भी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, उसके अलावा कॉलेज का यहाँ पे स्टाफ था और भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे मैच देखा। हम आपको एक और बात बताते चलेंगे, आज का ये मैच देख के युवाओं को इस तरह हमें ऐसा लगा कि युवाओं के अंदर काफ़ी उत्साह है, वो ड्रग से हटकर खेलकूद में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इन बच्चों को जो है इस तरह के मौके नहीं मिलते। तो हम लोगों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि वो भी जो है खुलकर सामने आए और बच्चों की जो है हौसला अफजाई करें, इस तरह के मैचेस को ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ के युवा हैं, जो इस तरह के गंदे नशों से बच के जो है खेलकूद की तरफ आगे बढ़ें। राजौरी से पूंछ वैली अपडेट के लिए मैं अंकित केसर।